लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नायक ने आज बेलापुर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की और नवी मुंबई में तेजी से बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक संदीप नायक, महापौर जयवंत सुतार, सागर नायक, सुधाकर सोनावने और जिला अध्यक्ष रामचंद्र गरत तथा वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री गणेश नायक ने उन कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की जो मनमानी तौर पर शहर में वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण फैलाने में जुटी है। प्रदूषण रोकने के लिए गणेश नायक ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की। देखिए रिपोर्ट। इको सिटी नवी मुंबई में भयंकर प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया वह दिन दूर नहीं, दिल्ली की तरह नवी मुंबई करों को भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। बीजेपी विधायक गणेश नायक ने आज ऐसे ही आशंकाओं को दर्शाते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों मनमानी तौर पर वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण फैला रही है। नवी मुंबई के गटर नालों में केमिकल और हवाओं में जहरीली गैस और एयर पार्टिकल इसका सबूत देते हैं। बीजेपी नेता ने एमपीसीबी के नोडल अधिकारी डीबी पाटिल से ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और प्रदूषण रोकने में महानगर पालिका की मदद लेने की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। यहाँ के जो प्रादेशिक अधिकारी है पाटिल साहब, उनके पास में 3 डिवीजन का कारोबार है। ये अपने नई मुंबई के 2 पार्ट है और तलोजा एमआरडीसी का 3रा पार्ट है। अभी बात ऐसी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये अभी यहाँ पे कुछ हवा में कुछ बिगाड़ हुआ है तो वो कल नहीं रहेगा, और कल नहीं रहेगा तो परसों फिर से वापस आएगा। लेकिन जो लोग पोल्यूशन बढ़ाने के लिए कारण बनते हैं, कोई इंडस्ट्री हो, तो वो लोगों को लाइटली लेने ला चाहिए। उनको पूरा मौका सुधारने का देके सही वक्त में उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की तो ऐसे कारखाने बंद भी करने चाहिए। यदि वो अपने मुनाफे के लिए कोई गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि कभी कभी दिन भर में गैस चैम्बर में वो बंद करते हैं और रात को वो रिलीज करते हैं। पानी भी कोई गंदा होगा तो वो स्ट्रोम वाटर ड्रेन में वो रात के टाइम में छोड़ते हैं। तो ऐसे कंपनियों का जायजा लेके उन पर निगरानी करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग आए कुछ इनके कुछ नुक्स निकालने के लिए नहीं आए। वो जो परिमार्जन करने के लिए जो कुछ जो पैरामीटर यूटिलाइज करते हैं उसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको उन पर उनको उनके ध्यान में लाने का काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ पूर्व विधायक संदीप नायक, महापौर जयवंत सुतार, सागर नायक, सुधाकर सोनावने और जिला अध्यक्ष रामचंद्र गरत तथा वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। चर्चा के दौरान महापौर जयवंत सुतार ने एआरएमसीबी प्लांट से फैल रहे धूल और एयर पार्टिकल पर एमपीसीबी अधिकारियों का ध्यान दिलाया। वहीं पूर्व मेयर सागर नायक और वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने खाड़ी में बढ़ रहे प्रदूषण और उससे मछुआरों और जल जीवों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। इस पर गणेश नायक ने अधिकारियों को विशेष उपाय करने और नागरिकों के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का सुझाव दिया। मैंने तो अभी सूचना ऐसी की है कि मेरी मांग आप लोग आपके मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचाओ कि हर शहर की जो पॉपुलेशन होगी उस पर टैक्स लगा के समुद्र के किनारे पे जो कचरा, प्लास्टिक, बॉटल, बीटल, थर्माकोल आता है उसको कलेक्ट करके किनारे की साफ सफाई की जाए। महापालिका क्षेत्र में बाहर में नगर पालिका होगी, ग्राम पंचायत होगी, कलेक्टर के माध्यम से उसका भी पैसा वसूल किया जाए और एमपीसीबी या कोई अथॉरिटी महाराष्ट्र शासन के नियंत्रण में ऐसे बनाई जाए कि समुद्र का किनारा थ्रू आउट, यानी अभी अपना महाराष्ट्र का गुजरात बॉर्डर से लेके गोवा के बॉर्डर तक पूरा
क्लीन एंड नीट रहे। शहर में अपन जाते हैं तो रास्ते में जैसे प्रवासी भी है, गाड़ी से पानी पीते, पानी का बॉटल खाली हुआ तो अपने गाड़ी में रखते, वो डिवाइडर पे फेंक देते हैं या साइड में फेंक देते हैं। उसके लिए भी मैंने अभी पाटिल साहब को बोला कि म्यूनसिपल कमिश्नर को आप लिखो कि भाई पूरे शहर के अंदर वाले बाहर वाले हाईवेज को जो भी रास्ते है वहाँ पे जो इस ढंग का कोई प्लास्टिक कोई कैडबरी चॉकलेट लेके वो उसका रैपर फेंक देते हैं, बिस्किट खाने के बाद में उसका जो भी जो कवर होता है वो भी फेंक देते हैं, पानी का बॉटल फेंक देते हैं। इसी सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ मैंने सिस्टम बनानी चाहिए, और वो सिस्टम उनको बनाने के लिए आप कॉरपोरेशन का, हम तो म्यूनसिपल कमिश्नर से बोलने वाले लेकिन आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से भी आ जाएगा तो उस पर जरा अमल अच्छी ढंग से करने की विचारधारा आगे आगे बढ़ सकती है। वीडियो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।